जब भी हम किसी भी वॉल माउंटेड सीट के लिए मार्किंग करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फ्रेश दीवार है और जो हमने लेवल निकाला हुआ है वो लेवल ये है, यानी कि इस लेवल से नीचे की तरफ 12 इंच के बाद में इसका फाइनल फ्लोर आएगा, यानी कि फाइनल फ्लोर की हाइट हमें मिल चुकी है। अब हम WC की जो है स्टैंडर्ड हाइट है, मेजरमेंट है, वो कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो वैसे तो WC की स्टैंडर्ड हाइट जो है 16 से 17 इंच होती है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि ये 12 इंच नीचे की तरफ है, यानी कि इंची टेप की मदद से यहाँ पे देखेंगे 12 इंच पे निशान है और यहाँ तक फाइनल फ्लोर आएगा, ठीक है, इससे ऊपर नहीं आएगा। अगर इससे ऊपर आएगा तो रूम का जो फ्लोर है वो डाउन रह जाएगा और ये ऊपर रह जाएगा, तो जाहिर सी बात है इससे नीचे हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमें 16 इंच लेना है सीट की हाइट, तो ये हमने मार्किंग कर दी यहाँ पे 16 इंच, एक फिर इसके आगे और कर दें 16 इंच, ठीक है। अगर हम इस लेवल वाली लाइन से समझें तो 4 इंच हमें ऊपर करके मार्किंग करना है, 4 इंच ऊपर करके हमें ये भी मार्किंग करना है। किसी भी लकड़ी या किसी भी पाइप की हेल्प से आपको इसे सीधा कर लेना है, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो WC की जो हाइट रहेगी वो हमारी ये रहेगी विदाउट ढक्कन के। अब ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से मैं इसको कितना छोड़ूं, मिनिमम मैं इसको 12 इंच तक छोड़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास स्पेस है तो मैं इसको 18 इंच छोड़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगाया हुआ है पहले से, जो कि ये मान लीजिए 18 इंच यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब जो हमारी सीट है उसकी चौड़ाई है करीब करीब 13 इंच, तो ये 13 इंच पे हमने एक निशान ये लगा दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सीट की चौड़ाई हो गई, ये सीट की जो है ऊपर वाली हाइट हो गई। अब सीट का जो नीचे का जो शेप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे इनलेट पॉइंट होगा सिस्टर्न का, तो सिस्टर्न का जो इनलेट पॉइंट है वो यहाँ होगा लगभग, और जो आउटलेट पॉइंट है सीट का वो यहाँ 110 mm के पाइप का होगा। तो ये रफली एक मार्किंग हमने सीट की कर ली है, यानी कि इससे ऊपर सीट नहीं लगेगी, इससे इसी लेवल पे हमें लगाना है, इससे ऊपर ढक्कन आ सकता है। अब यहाँ सीट का लेवल हो चुका है, अब सिस्टर्न का हम करेंगे। तो सिस्टर्न का लेवल आपको भी पहले भी बताया है, जैसे कि ये मेरे पास अभी दीवार है और सिस्टर्न नहीं है, ये मान के चलते हैं हमारे पास सिस्टर्न नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। सिस्टर्न का जो पुश बटन होता है उसकी सेंटर को हम यहाँ जो आपने जो निशान लगाया हुआ है इससे हमें लेना है 700 mm, यानी 70 सेंटीमीटर लेते हैं। इस निशान को यहाँ पे रखेंगे और ऊपर चलेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे 70 सेंटीमीटर इसका जो निशान है वो नज़र आ रहा है हमें, तो यहाँ एक मार्किंग हम करते हैं, ठीक है। यहाँ 70 mm है तो इसका मतलब एक फिट हमारे नीचे जगह थी, तो जो एक फिट जगह थी वहाँ पे 300 mm होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर मैं इस निशान के बराबर इसको कर लूँ तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि 300 mm नीचे, और यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है। 100 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो यानी कि 10 × 100 1000 mm यहाँ पे इसकी सेंटर हाइट हो गई। सेंटर हाइट होने का मतलब क्या है, जो हमारे सिस्टम का जो ढक्कन होता है जिसे हम पुश बटन भी कहते हैं वो कुछ इस तरह से आधा नीचे की तरफ रहेगा आधा ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये इसका सेंटर का हाइट हमें मिल गया। अब सिस्टम की जो साइज है वो आप जो भी लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगी, जैसी भी सिस्टम होगी उसकी जो साइज होगी वो आपको सिस्टम के साथ में ही पता लग पाएगी। तो यहाँ पे सीधा हमें कनेक्ट करना है वो पाइप जो कि इस WC के लिए इनलेट होगा और यहाँ पे पुश बटन लगेगा। आई होप कि आपको इस ड्राइंग और इस मार्किंग के माध्यम से वॉल माउंटेड WC की मार्किंग अच्छे से समझ में आ गई होगी और सिस्टम के लिए जो हाइट है मेजरिंग हाइट वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सीधा कैसे रखना है वो जब हम सिस्टम और सीट का जो हम कनेक्शन करेंगे उस दौरान हम आपको बताएंगे कि इसको सीधा किस प्रकार से रखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।